1950 में युद्ध छिड़ने पर 15 वर्षीय किम चीन क्विंग अपने देश की रक्षा के लिए दक्षिण कोरियाई सेना में भर्ती हुआ। जल्द ही वह समझ गया कि वो युद्ध की भयानकता के लिए तैयार नहीं था। अपने चारों ओर अपने मित्रों को मरते देखकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जीवन मिलने पर वो अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखेगा। 65 वर्ष बाद डॉक्टर किम ने प्रार्थना का उत्तर देखा। दशकों तक अनाथों की सेवा और उत्तर कोरियाई और चीनी युवकों की शिक्षा में सहयोग द्वारा उन्होंने अनेक शत्रुओं को मित्र बनाया। डॉक्टर किम के पास अपने शत्रुओं से घृणा करने का एक कारण था, लेकिन उन्होंने अपने शत्रुओं को प्रेम करने का चुनाव किया। बाइबल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो।